भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, एलएमआरसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सिक्स है, जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल के लिए हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लाए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से लेके आपका 30 तक है। तो इससे पहले पांच वीडियो बनाया था, जिसमें एसीटीयू और जेई दोनों के कंबाइन करके बनाया था। तो यहाँ केवल जेई इलेक्ट्रिकल से लिए हुआ क्वेश्चन है और इसमें हम सारे को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वोकल रिले इज। तो ये सबसे पहले जानना होगा आपको, ये कहाँ से क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है और ट्रांसफार्मर में ट्रिपिंग सर्किट से रिलेटेड होता है। तो इसके रिले के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, जिसमें वाइंडिंग डुबाया हुआ रहता है, उसमें एक ऐसा डिवाइस बनाया जाता है कि NONC, नॉर्मली ये ओपन रहता है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर में ओवरलोड कंडीशन होती है तो वाइंडिंग में ज़्यादा करंट लेता है, उस कंडीशन में आपकी यहाँ गैस बनना स्टार्ट हो जाता है और गैस के कारण से इसके ऊपर की तरफ कंजर्वेटर की तरफ प्रेशर बनाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल एनो पॉइंट एनसी में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसफार्मर को इस रिले के द्वारा ट्रिप करा दिया जाता है, जिससे वाइंडिंग में आए टेम्प्रोरी अरेंजमेंट या प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाए। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या करता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले गैस एक्चुएटेड, यानी ट्रांसफार्मर की में जब गैस ज़्यादा बनेगी तो एनो पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनसी में। किसके कारण, गैस की प्रेशर के कारण। तो यहाँ आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन फॉरवर्ड बेस ए पीएन जंक्शन डायोड। कह रहा है कि फॉरवर्ड बेस में अगर पीएन जंक्शन डायोड होगा तो क्या होगा। तो यहाँ आपका सेमीकंडक्टर से है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा जानते हैं, फिर भी यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड है और फॉरवर्ड बेस में है। तो फॉरवर्ड बेस में सब दो बेस होता है ऑपरेशन के लिए, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बेस में डायोड काम करता है, नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूँ, और जेनर डायोड वगैरह रिवर्स में काम करता है। तो काम करने के लिए क्या होता है, एक करंट इसमें फ्लो इजीली हो सकता है, मतलब 0.7 सिलिकन के लिए वोल्ट अगर अप्लाई किया जाए और 0.3 आसपास आपका जर्मेनियम के लिए ये अप्लाई किया जाए, तो उससे अलाउ करंट टू फ्लो हीट, उस कंडीशन में करंट को इजीली फ्लो करने देगा फॉरवर्ड बेस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ए इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ 4.5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एंड आयरन अबाउट। अगर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई देने पे 4.5 एम्पियर करंट लेता है, तो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या है। बिल्कुल सिंपल सी आपका क्वेश्चन है, वी बराबर आई आर, जो ओम्स लॉ का इक्वेशन होता है। तो यहाँ आर निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो आपको आर बराबर वी बटा आई करेंगे तो वोल्टेज आपका देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, ITI का क्वेश्चन है, लेकिन JEE में दिया हुआ था, लेकिन करना ज़रूरी है। 240/4.5, तो इसको हम अगर कैलकुलेटर का यूज कर लें, 240 भागा को 4.5 अगर 5 से कर देंगे तो देख सकते हैं 53.33। तो यहाँ एक और देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 5.33। कई बार लोग इसको थोड़ी सी चूक बाई मिस्टेक से इसको कर देते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन है 2 राइट आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे, ये भी घरेलू उपकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक हाउस विथ 240 वोल्ट AC सप्लाई, 5 फैन 60 वाट ईच, 5 ट्यूबलाइट 40 वाट ईच, यूज फॉर 5 आवर डेली, मतलब एक दिन में, 1 रेफ्रिजरेटर इज 220 ऑफ 220 वाट, रन फॉर 10 आवर डेली, पर डे एनर्जी कंजप्शन हाउस इन KWH। कह रहा है कि एक घर में 5 पंखा, 5 ट्यूब, जिसकी पंखे की कैपेसिटी 60 वाट है, ट्यूब की 40 वाट है, और 5 आवर डेली चलता है, साथ में एक रेफ्रिजरेटर है जो 120 वाट का है, 10 घंटा डेली चलता है, तो एक दिन में KWH कितना कंजप्शन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, 5 फैन है और एक की कैपेसिटी 60 है,
और एक दिन में कितने चलते हैं? पांच। तो ये आपका फैन के लिए हो गया। दूसरा आपका क्या है? ट्यूब। पांच ट्यूब है, 40 वाट कैपेसिटी है और 5 घंटा चलता है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेंट है, 120 वाट है, लेकिन ये 10 घंटा चलता है डेली। तो आप ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 5 30, 30 5 150, 1500 वाट आपका पावर लेगा फैन, और 40 205, आप इसको करेंगे तो 1000, 200 × 5 करेंगे तो 1000 वाट आपका लेगा ट्यूबलाइट, और 12 × 120 10 को करेंगे तो 1200 लेगा आपका रेफ्रिजरेंट। अब ये सारे को कैलकुलेट कर देंगे तो देखिए 2007N3 यानी 3700 वाट है। यहाँ देखिएगा पावर दिया हुआ था वाट में, लेकिन क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक होता है यहीं पे। देखिए एक पूछ रहा है आपको KWH में कितना होगा, तो 1 KWH बराबर कितना होता है? 1000, और इसको डिडक्ट कर देंगे तो क्या जाएगा? 10 को करेंगे तो यहाँ 3.7 यानी 3.7 KWH जो आपका ऑप्शन 4 में अवेलेबल है। उसके बाद प्रश्न संख्या आपका 27 है, जीरो एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी इन एनालॉग मल्टीमीटर बिफोर मेजरिंग। कह रहा है कि एक एनालॉग मल्टीमीटर है, उसको जीरो एडजस्ट क्यों करते हैं किसी भी रीडिंग के लेने के लिए? तो आप मल्टीमीटर में जाएंगे तो एक यहाँ कॉर्नर में कहीं आपको मिलता है एक नीडल, जिसमें आप टेस्टर या स्क्रू, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लगा के इसकी पॉइंटर को जीरो पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये किस लिए किया जाता है ये पूछ रहा है। देखिए कोई भी मल्टीमीटर होता है, या आपने देखा होगा मल्टीमीटर वोल्ट मीटर की काम करे या करंट मीटर किसी तरफ का काम करे, तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो मल्टीप्लायर या सीरीज के रूप में होता है। उसकी रेजिस्टेंस अगर जीरो नहीं रहेगी तो आपका जो वोल्टेज या करंट मेजर करेंगे उसमें इरर आ सकता है, यानी गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए हम यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को उस समय जीरो करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। वोल्टेज करंट तो हम मेजर करते हैं उससे, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा उसकी मीटर की पैरामीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें देख सकते हैं द मशीन विच वर्क ए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कह रहा है कि एक मशीन काम करता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, मतलब उत्पन्न वोल्टेज के लिए। तो देखिए यहाँ सारा दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर, मोटर, इंडक्शन मोटर एंड डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले जानते हैं हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है, डायनेमिकली कोई नहीं होता इसमें, मूवमेंट कुछ नहीं होता। डीसी मोटर में क्या होता है, हम पावर देते हैं इसके बाद इसकी रोटर मूव करता है, लेकिन इसमें आपका इंड्यूस टर्म कहीं नहीं यूज होता है। बैक ईएमएफ होता है, ध्यान दीजिएगा बैक ईएमएफ होता है, लेकिन बैक ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ में नहीं काउंट करते हैं। फिर इंडक्शन मोटर भी सेम प्रॉपर्टी है, आपका एसी पे काम करता है, डीसी पे करता है। लेकिन जी डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो यहाँ प्राइम मूवर से इसके हम रोटर को घुमाते हैं और इसकी जो वाइंडिंग होती है उसमें इंड्यूस ईएमएफ फैराडे लॉ के अनुसार जनरेट हो जाता है। तो आंसर हमारा होगा 4। उसके बाद दो क्वेश्चन और बच गए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, दी स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू। अब कह रहा है स्टैंडर्ड रेटिंग, अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड रेटिंग का कहने का मतलब है, कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एचपी इसमें कहीं मिस प्रिंट हो रहा है, या तो क्वेश्चन टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है और कई जगह मतलब यह हो सकता है आंसर में नहीं दिया होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड रेटिंग एचपी और किलोवाट का कन्वर्शन आपको करने के लिए यहाँ पूछ रहा है। तो अगर 1 किलोवाट मोटर दिया हुआ रहता है, देखिए कोई भी आप मोटर दिया हुआ है 1 किलोमीटर 1 किलोवाट, तो हम जनरली इसको 750 या 745 वाट एचपी को कन्वर्ट, किलोवाट नहीं सॉरी, ये एचपी को हम वाट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 3/4 एक्स प्रो मतलब एक्सपेक्टेड मानते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं होता। 750 से कम होकर ये 735 वाट यानी 1 HP इक्वल टू
735.5 वाट के बराबर होता है एक एचपी। तो यहाँ एचपी को याद रखिएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया या टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग फोर्स नेसेसरी, अगर कोई हम इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग करने के लिए यूज करते हैं तो डैम्पिंग फोर्स, अब डैम्पिंग फोर्स क्यों जरूरी है तो डैम्पिंग फोर्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है डैम्पिंग फोर्स। कौन कौन से टाइप होता है आपका, एडी करेंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और इस टाइप के डैम्पिंग होते हैं। तो डैम्पिंग का अगर मीटर में बात अगर करेंगे मीटर के टर्म में, तो ये आपका पॉइंटर है और पॉइंटर के अपोजिट में एक या तो लोड बैलेंस डैम्पिंग होता है, देखिए वेट बैलेंस वेटिंग होता है, या कोई पिस्टन लगा के सिलेंडर से इसमें इससे कनेक्ट किया जाता है कि इसमें से जो उस कंडीशन में फ्रिक्शन हो, उसी तरह से एडी करंट भी डैम्पिंग होता है। तो इसका क्या काम होता है, तो देखिए सबसे पहले हम आपका आंसर में चलते हैं, टू डिफ्लेक्ट दी पॉइंटर एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए डैम्पिंग फोर्स होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसके लिए तो आपका अलग फोर्स होती है। और उसके बाद ब्रिंग पॉइंटर जीरो पोजिशन, ये भी नहीं होता क्योंकि जीरो पोजिशन लाने के लिए स्प्रिंग यूज किया जाता है जो कंट्रोलिंग फोर्स का काम है। तो आपका आंसर वन रिजेक्ट हो गया, टू रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कहता है ऑसिलेट पॉइंटर अबाउट द फाइनल डिस्टेंस पॉइंट, हमका इसमें कह रहा है कि मीटर का ये है आपको यहाँ मूव करते रहे इसलिए यूज किया जाता है। देखिए मीटर में यह सबसे बड़ी हानि होती है कि फाइनल पोजिशन हमें कॉन्स्टेंट चाहिए, तो ये ऑप्शन भी लास्ट है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो एक करेक्ट आंसर है, टू ब्रिंग द पॉइंटर रेस्ट क्विकली आफ्टर डिफ्लेक्शन, अगर कोई भी हम फोर्स लगाते हैं तो मीटर का डिफ्लेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, मान ली यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 415 वोल्ट है, यहाँ तक जाने के बाद क्या होता है, यहाँ डंपिंग नहीं करनी चाहिए, ऑसिलेट नहीं करनी चाहिए, एकदम बिल्कुल क्वेक जाके 415 वोल्ट पे स्थिर हो जाना चाहिए, इसके लिए कहता है डिफ्लेक्शन को पॉइंटर पे फिक्स करने के लिए डैम्पिंग फोर्स यूज करते हैं। तो देखिए इस तरफ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है, अगर आप कंसेप्ट नहीं देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम से पहले, लेकिन एग्जाम में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि हर बार क्वेश्चन चेंज होता है कंसेप्चुअली, तो ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि 13 और 14 अप्रैल को होने वाले जेई और जो भी बाकी पोस्टों की एग्जाम होने वाली है उसके लिए आपकी तैयारी पूरी हो गई हुई। थैंक यू, धन्यवाद।